आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चंस इजी कंसीडर करने आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द केमिकल रिएक्शंस राइट एंड देन आपको करेक्ट ऑप्शन जो है मतलब इनमें से जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो आपको बतानी है कौन सी होगी राइट। सो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है आपको समझना होगा हमारे पास क्या थी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी राइट। डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी जो थी वो आपकी प्रपोज की थी इन योर 1801 राइट ईयर में प्रपोज की थी राइट। सो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का एक पॉजिटिव था उसमें जिसमें उसने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात किया था राइट। तो उसने कहा था कि हमारे पास देखो जो भी केमिकल रिएक्शन होती है राइट, केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपका बनता है राइट। सो जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है वो आपका बेसिकली रिजल्ट करती है, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली आपका क्या होता है मतलब रिजल्ट्स इन द कॉम्बिनेशन सेपरेशन और रीअरेंजमेंट और आप कह सकते हो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स राइट। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली आपका इन्वॉल्व करती है कॉम्बिनेशन सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स राइट। सो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है राइट। और एक और था इसमें पॉजिटिव जिसमें उसने ये कहा था कि इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि आपके जो एटम्स होते हैं आर नीदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है सो जितने एटम्स आपके पास रिएक्टेंट साइड पर थे उतने ही आपको प्रोडक्ट साइड पर मिलेंगे राइट। सो ना तो वो क्रिएट होते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो आपके कंजर्व रहते हैं राइट। सो इन्होंने बोला कि कैन ईदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय राइट। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो आपका आंसर होगा कि ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट इज ऑप्शन वन इज योर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।